जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। इस श्लोक का अर्थ है, सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। जय हिंद बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में हम पाठ 23 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संवाद लेखन। संवाद मतलब कि डायलॉग, जो हम बातें करते हैं उसे ही संवाद कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, जो आपकी हिंदी व्याकरण टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 110 में दिया हुआ है। संवाद लेखन, दो या दो से अधिक लोगों के बीच वार्तालाप, वार्तालाप यानी कि बातें, संवाद कहलाता है। तो ये बात आप सभी को पता है कि अगर हमें बातें करना हो किसी से तो हम अकेले तो नहीं बातें कर सकते, हमें उसके लिए कोई चाहिए होगा। तो बात करने के लिए हमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, चाहिए होते हैं। तो उनके बीच जो हम सब बातें करते हैं उसे ही संवाद वार्तालाप कहते हैं। संवाद को वार्तालाप भी कहते हैं। संवाद या वार्तालाप के लिए कम से कम दो लोग होते हैं। तो कम से कम कितने लोग चाहिए हमें होते हैं? दो लोग, ये सब आपको पता है। तो यही हमारा आज का पाठ है, जिसमें हम दो लोगों के बीच की बातों को किस तरह से कम शब्दों में लिख सकते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। लेखन का मतलब लिखना, ठीक है। बोलते तो हम लोग बहुत सारा है, लेकिन जब लिखते हैं तो किस तरह कम से कम शब्दों में अपनी बात को लिखना, ये हम इस पाठ में सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। संवाद कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे होने चाहिए, है ना। बहुत बड़े बड़े अगर हम लिखें तो हम हमारे जो पॉइंट है, जो मुद्दा है जिस पे हम बात कर रहे हैं, उससे हम हट जाते हैं और अनावश्यक बातें हो जाती है। इसलिए संवाद कभी भी छोटे छोटे और सरल शब्दों में होनी चाहिए। फिर वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, मतलब कि हम जो बातें कर रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं और किसी और टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर पात्रों के अनुसार ही भाषा होनी चाहिए। पात्र मतलब जो बात करने वाले जो दो लोग होंगे उसे पात्र कहते हैं ना। तो पात्रों के अनुसार क्या होनी चाहिए? भाषा होनी चाहिए, ठीक। फिर संवाद की भाषा थोड़ी नाटकीय होनी चाहिए। नाटकीय मतलब कि थोड़े ड्रामा के अनुसार होनी चाहिए, एकदम जैसे हम पुस्तकों में लिखी होती है शुद्ध भाषा, वैसे नहीं, थोड़ी हमारी नाटकीय भाषा में भी हमें संवाद लिखने चाहिए। क्योंकि हम जब किसी से बात करते हैं तो एकदम शुद्ध इसमें बात नहीं करते, हम थोड़ा उनसे पोलाइटली और एकदम अच्छे से बातें करते हैं। तो वैसे ही लैंग्वेज में हमें यहाँ पे यूज़ करके हमें लिखना होगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आए इसके लिए हमें हमारे टेक्स्ट बुक में दो संवाद लेखन दिए हुए हैं। पहला है पिता और बेटी के बीच संवाद, पापा और उसकी बेटी, उन दोनों के बीच में क्या क्या बातें हो रही है ये हमें संवाद में दिखाया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जब संवाद लिखना शुरू करते हैं तो उसका हमें अंत भी करना होता है। ऐसा नहीं कि हम बीच में बातें छोड़ दें और वहाँ पे हमारा संवाद ख़त्म, ऐसा नहीं। इसलिए हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि हमारी बातें और हमारे जो वाक्य है वो एकदम छोटे होनी चाहिए और उसकी शुरुआत और एंड अच्छे से होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं पिता और बेटी के बीच में क्या क्या बातें हो रही है। तो जो बेटी है उसका नाम क्या है? राधिका।
यहाँ पे दिया हुआ है राधिका, हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। चलिए, राधिका अपने पिताजी से कहती है, पिताजी इस बार हम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ पर घूमने जाएंगे। फिर उसके पिताजी कहते हैं, पिताजी बेटी तुम सोचकर बताओ कि कहाँ जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जिसका नाम लिखा हुआ है उसके आगे उसके संवाद, उसके डायलॉग हमें लिखने होते हैं, ठीक है। फिर राधिका ने बोली कि पिताजी क्या हम नैनीताल जा सकते हैं। पिताजी ने उत्तर दिया, हाँ जरूर। अच्छा, तो हम इस साल नैनीताल ही चलते हैं। फिर राधिका ने कहा, नैनीताल में हम नाव में बैठकर घूमेंगे, बहुत मजा आएगा पिताजी, और घुड़सवारी भी करेंगे। राधिका, अरे वाह, मैं अभी जाकर अपनी सहेलियों को बताती हूँ। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर किस तरह बेटी और पिता के बीच की वार्तालाप संवाद यहाँ दी है, जो एकदम स्पष्ट भाषा में कम शब्दों का प्रयोग करके दिया है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक प्रश्न से हुई थी कि गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाना है, और उसका उत्तर और उसकी तैयारियाँ भी हमने यहाँ पे एंड ऐसे किया। तो हमें हर संवाद पे ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब एक और संवाद हम देखते हैं, दो मित्रों के बीच संवाद, मतलब कि दो फ्रेंड है उनके बीच संवाद बताया गया है। एक बॉय का नाम है अमित और दूसरे का सुबोध। तो चलिए इसे भी हम देखते हैं। अमित, अरे मित्र तुम इस पेड़ को क्यों कटवा रहे हो। सुबोध, इसकी शाखाएं मतलब कि इसकी डालियां टहनियां बहुत फैल गई हैं, मेरे कमरे में रोशनी नहीं आती। अमित, तो पूरा पेड़ मत काटो, केवल शाखाएं छोटी कर दो। सुबोध, हाँ ये तुमने ठीक कहा। अमित, इससे धूप भी आएगी और पेड़ भी बच जाएगा। सुबोध, ठीक है, मैं केवल इसकी शाखाओं को छोटी करवा देता हूँ। अमित, बहुत अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तो ये संवाद भी आप लोग देखिए, यहाँ पे भी एक प्रश्न से हमारा संवाद शुरू हुआ था कि पेड़ क्यों कटवा रहे हैं, और उसका हल भी यहाँ पे हमने एंड बता के किया। तो इस तरह हमें संवाद लेखन में एकदम कम शब्दों का प्रयोग करके शुरुआत और उसका अंत दोनों करना होता है। अब हमें एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे संवाद दिए हैं, जो आपके पेज नंबर 111 में दिया हुआ है। पहला देखो क्या है, दो पालतू कुत्तों के बीच संवाद, मतलब कि दो पेट एनिमल है जो डॉगी है उनके बीच की बातें। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी डॉगी के नाम मतलब कुत्तों के नाम दिए हैं, अगर नहीं होते तो हमें यहाँ पे उनके नाम अपने मन से देने होते। तो पहला देखो, एक डॉगी का नाम है, एक कुत्ते का नाम है टॉमी और दूसरे का नाम है टफी। तो चलिए हम देखते हैं इनका संवाद में हम कैसे लिख सकते हैं। टॉमी कहता है, अरे टफी आज तो तुम बहुत दिनों बाद घूमने आए हो। फिर टफी कहता है, हाँ टॉमी, दरअसल मेरे मालिक कहीं बाहर चले गए थे और मुझे अपने एक मित्र के पास छोड़ गए थे। टॉमी, अच्छा तो तुम मालिक के मित्र के घर पे कैसा लगा। टफी, अच्छा लगा, मेरे मालिक के मित्र भी उन्हीं की तरह बहुत अच्छे हैं, वहाँ बच्चे भी थे जो मुझे बहुत प्यार करते थे, हर समय मेरे साथ खेलते रहते थे। टॉमी, अच्छा बच्चे तुम्हें तंग नहीं करते थे। टफी, बिल्कुल नहीं, बल्कि जब मैं वापस घर आया तो वे रोने लगे और कहने लगे हमें भी टफी चाहिए। टॉमी, टफी तुम्हारे मालिक की तरह मेरे मालिक भी अच्छे हैं,
जब वे कहीं जाते तो मुझे नौकर के पास छोड़ जाते। वे मुझे खाना देते, मुझे प्यार भी करते, पर मेरे साथ खेलते नहीं। टफी, कोई बात नहीं, कम से कम वे हमें प्यार तो करते हैं। चलो अब मैं चलता हूँ, कल फिर से मिलेंगे। मालिक मुझे पार्क में घुमाने लाएंगे तो मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने टफी और टॉमी की वार्तालाप लिखी। टफी और टॉमी का प्रश्न शुरू हुआ था कि वे बहुत दिनों के बाद आए हैं। फिर उसने अपनी पूरी बातें बता के वहाँ पे एंड किया कि अब हम जाते हैं, कल मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें वार्तालाप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लिखना है, किस तरह से उसकी स्टार्टिंग करनी है और किस तरह से उसका समापन भी करना होता है। हम एक और देख लेते हैं, सब्जी वाले और ग्राहक के बीच संवाद। सब्जी वाला मतलब कि जो सब्जी बेचते हैं वो, और ग्राहक मतलब कि कस्टमर जो सब्जी लेने जाते हैं, इन दोनों के बीच के संवाद। चलिए शुरू करते हैं। सब्जी वाला, साहब सब्जी ले लीजिए, बिल्कुल ताजी है। बोलिए, क्या दूँ? गाजर, मटर, टमाटर। फिर जो कस्टमर जो सब्जी लेने गया उसे क्या कहते हैं? ग्राहक। ग्राहक कह रहा है, सब्जी तो अवश्य लूँगा, पर यह बताओ तुम इतनी महंगी सब्जियाँ क्यों बेचते हो? सब्जी वाला, साहब मेरी सब्जी की तो बात ही अलग है। खास फार्म से लाता हूँ, जहाँ केवल प्रकृति खाद डाली जाती है। ग्राहक, अच्छा तो तुम्हारी सब्जी में रासायनिक खाद नहीं होती? सब्जी वाला, जी साहब इसलिए महंगी है, इसमें कीटनाशक दवाइयाँ भी नहीं डाली जाती। ग्राहक, अच्छा भाई 2 किलो गाजर तथा 2 किलो टमाटर तोलो। सब्जी वाला, साहब हम ईमानदारी का सौदा करते हैं, एक बार हमारी सब्जी खाओगे तो बार बार हमारे पास आओगे। ग्राहक, अच्छा चलो फिर आऊँगा। तो इस तरह यहाँ पे हमने सब्जी वाले और ग्राहक मतलब कि जो सब्जी लेने आए थे कस्टमर, उन दोनों के बीच की बातें हमने लिखी। तो इस तरह यहाँ पे हमारा संवाद लेखन ख़त्म होता है। अब आप इसको घर पे प्रयास करें लिखने का। मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।